दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई हो मैं जानता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फिर आज आपके चैनल अपने चैनल में एक नई वीडियो लेके आ गया आपके लिए। आपके चैनल पे आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि घुटने को कैसे ठीक करते हैं, यानी कि सीपीआर मशीन के थ्रू घुटने को कैसे हम लोग मोड़ते हैं और फिर उसकी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तो आज आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखते रहिए अंत तक। प्लीज़ दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना प्लीज़। अगर आपको वीडियो के बारे में अगर कोई भी यार अगर आपको मतलब कि अच्छा बना लग रहा हो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ मैं कमेंट कर रिप्लाई देता हूँ, वीडियो को देख देख के मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। और प्लीज़ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी आपको, ना सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं इसी रिलेटेड। तो जैसा कि दोस्तों ये है सीपीएम मशीन, इस सीपीएम मशीन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे चलती है और पेशेंट के साथ कैसे यूज करी जाती है और एक किस काम आती है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए वीडियो को अंत तक। बताऊंगा आपको कैसे स्टार्ट करी जाती है, कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी क्या प्रोसेस रहती है, एंड तक की पूरी प्रोसेस बताऊँगा। तो जैसा कि दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मशीन को भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर कैसे मशीन को यूज किया जाता है। इस बटन को पावर वाले बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पर टाइमर इसमें सेट करते हैं, ये कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट इसका नाम होता है पूरा। तो जैसा कि दोस्तों चलते हैं सीपीएम मशीन के साथ में और दिखाते हैं आपको कि कैसे मशीन के साथ पेशेंट को हैंडल किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तीसरे को इसमें बांधते हैं क्योंकि इसमें बहुत जोर होती है, इस मशीन में बहुत ताकत होती है, इसमें इतना ताकत होती है कि चाहे तो एक पैर को तोड़ भी सकती है। अगर इस पर थोड़ा सा भी ध्यान ना दिया तो एक पैर को मोड़ने की जगह तोड़ सकती है। तो दोस्तों इस मशीन को यूज करते समय बहुत ध्यान बहुत सावधानी रखनी चाहिए और इसको अच्छी तरीके से बांध देना चाहिए ताकि दोस्तों कोई परेशानी ना हो। दोस्तों चलते हैं दिखाते हैं आपको कैसे स्टार्ट की जाती है। ये और ये इसका मतलब की फ्लेक्शन है मतलब यहाँ से कितना मुड़ रहा है, कितना डिग्री, ये आपको बताते रहेगा, वहाँ से आप देखते रहेंगे। जैसा कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ आप चलते रहें वीडियो के साथ में। और प्रेस को पावर बटन को प्रेस किया, टाइमर को बढ़ाया, यहाँ से मैं 20 करता हूँ, बाद में बढ़ाता हूँ मैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, मैंने 20 कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि चलते हैं यहाँ से इसको बढ़ाते हैं, जैसा कि दोस्तों इसको इतना खोलते हैं शुरू में, अरे बैग बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है क्योंकि हाथ से खुलना तो इसका नामुमकिन नहीं है। और फिर इस मशीन के साथ इसको मोड़ते हैं कि मशीन काफ़ी अच्छा ताकत लगा लेती है क्योंकि इंसान की ताकत तो नहीं लग सकती, वो लगा सकता है, मशीन तो बहुत ताकत लगा सकती है। तो बने रही हमारे साथ में, आपको दिखाते हैं पूरा बैग कितना हैंडल कितना मोड़ती है, अभी तो ज़्यादा नहीं मोड़ पाई क्योंकि बैग बहुत टाइट हो रहा है। और मैंने एक बार आपको हम दिखाएंगे कि कैसे क्या कितना बैग मोड़ता है, क्या हैंडल मोड़ता है। ठीक है दोस्तों बने रही हमारे साथ में वीडियो के अंत तक। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से ये मशीन पैर को मोड़ती, बहुत ही हल्के हल्के बहुत ही स्लो स्लो पैर को मोड़ती है ये मशीन और बहुत ही ज़्यादा आपके पैर को खोल सकती है क्योंकि इसका नाम ही सीपीएम है, कंटीन्यूअस पैसिव मूवमेंट्स। तो आप देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार से एंगल को बढ़ा रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये एंगल सीपीएम का फ्लेक्शन एंगल है, यहाँ से इतना फ्लेक्शन होता जाता है, मतलब कि इतना भी आपका नहीं मुड़ता जाता है, घुटना मुड़ता जाता है उतना आपको एंगल बताते जाता है। जैसा कि दोस्तों इस समय 40 मुड़ चुका है और आपको अभी दिखाऊंगा कि कितना मुड़ जाएगा इस मशीन के द्वारा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, देखते रहिए इस वीडियो को पूरा अंत तक। जैसा कि दोस्तों ये है एंगल, यहाँ से पूरा ये चक्कर बताते रहता है कि आपको कितना एंगल मुड़ रहा है कितना नहीं, इस तीर के अकॉर्डिंग आपको देखना है कितना पैर मुड़ गया। तो अभी तो 40 मुड़ चुका है दोस्तों, फिर बाद में हम आपको भी दिखाएंगे वीडियो एंड होने के बाद कि कितना हमने पैर मोड़ दिया सीपीएम के थ्रू। देखते रहिए आप दोस्तों ये पैर को सीधा और मोड़ता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करता है, ये मशीन का फ्रंट जो है कुछ इस तरीके से पैर को मोड़ता है, आप देख सकते हो वीडियो को। अगर दोस्तों आप लोगों का भी पैर नहीं मुड़ रहा है या बहुत ज़्यादा जाम है तो आप जरूर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, आपका पैर ठीक हो सकता है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो इनका पैर 15 इंच तक खुल चुका है और आप देखो मैं अभी एंगल बढ़ा रहा हूँ इनका साथ साथ हल्के हल्के, इनको जहाँ तक अच्छा रहता है वहाँ तक इनके हाथ में एक रिमोट होता है जो इससे कंट्रोल करते हैं, अगर ज़्यादा ही अगर एंगल बढ़ा हुआ लगता है तो ये उससे कम कर लेते हैं, नहीं रोक लेते हैं मशीन को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैं हल्के हल्के एंगल इसको बढ़ा रहा हूँ, जैसा कि दोस्तों देखो मैं हल्के हल्के आपके सामने एंगल बढ़ा रहा हूँ, ये पैर खुलता जाएगा
और इनको अगर ज़्यादा ही लगेगा ये पैर की ज़्यादा ही मैंने कहीं इंच ज़्यादा खोल दिया तो ये रोक सकती है मशीन को वहीं। तो दोस्तों देखिए अब किस तक किस हद तक ये पैर आ गया है, देखो यहाँ तक आ गया है इनका पैर, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसा कि दोस्तों देख सकते हो कि ये पैर का एंगल ये है इस समय, और काफ़ी ज़्यादा इनका पैर खुल चुका है दोस्तों, देख सकते हो आप उस समय कितना एंगल आ रहा था, ये देख सकते हो इस समय 60-70 है और फिर इस समय 80 खुल गया था, उस समय आपको दिखा रहा था तो 40 डिग्री ये पैर खुला हुआ था। अब दोस्तों देख सकते हो कि खुल के बढ़ के कितना हो चुका है। तो इसी प्रकार दोस्तों मशीन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ये अपनी ताकत लगा के पैर को पूरा मोड़ देती है, तो इतनी ताकत नहीं लगाई जाती इस पर एक साथ ही, जिससे कि ऐसे पैर में कोई दिक्कत हो जाए, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, क्योंकि पेशेंट को तो पहले से ही दिक्कत होती है, इसलिए इससे हल्के हल्के एंगल बढ़ाते हैं और देखते रहते हैं पेशेंट से पूछ पूछ के कि कहाँ कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो हम एंगल को बढ़ाते रहते हैं, इसी के द्वारा पैर को खोला जाता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे इसके बाद एक्सरसाइज कैसे करते हैं हम लोग। तो ऐसा कि दोस्तों चलते हैं, मशीन का कुछ टाइम हो चुका है और पैर पूरा मुड़ चुका है, तो अब मशीन को बंद करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे एक्सरसाइज की प्रोसेस की एक्सरसाइज हम लोग कैसे करते हैं, कि घुटना मोड़ने वाली एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टाइट पैर हो गया है इनका, तो हमको बहुत परेशानी होती है एक्सरसाइज करने में, हम आपको दिखाएंगे कितनी मेहनत से हम लोगों को एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ऐसा कि दोस्तों अब मशीन का टाइम हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि मशीन का टाइम हो गया है, अब देखो 0 हो गया है, और फिर मशीन को बंद करते हैं और ये सारी चीज़ों को खोलते हैं, फिर पेशेंट को रेडी करते हैं एक्सरसाइज के लिए, कि एक्सरसाइज हम लोग फिर कि पैर मोड़ना भी हम लोगों को भी तो पड़ता है, तो हम एक्सरसाइज के लिए रेडी करते हैं पेशेंट को, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा कि दोस्तों इस वीडियो के आगे भाग में हम बताएंगे कि इसकी एक्सरसाइज हम लोग कैसे कराते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जाके नीचे देख सकते हैं। प्रोसेस में हम आगे की बताएंगे कि कैसे पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने कराई है, और आप उस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों प्लीज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, घंटा घंटा सब